हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग एंजाइम्स गिवन इन कॉलम वन विद द रिएक्शंस दे कैटलाइज द गिवन इन कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो कॉलम वन में कुछ एंजाइम्स लिखे बेटा, कॉलम टू में रिएक्शंस लिखे, कौन कौन सा एंजाइम क्या काम करता है। अगर बात करें बेटा, सबसे पहले लिखा है इन्वर्टेज। तो इन्वर्टेज एंजाइम मेरा काम आता है बेटा किसके लिए, केन शुगर की हाइड्रोलिसिस करने के लिए। अगर मैं बात करूँ कि अगर जो हाइड्रोलिसिस होती है केन शुगर की, कैसे हेल्प करवाता है, तो देखिए जो केन शुगर होता है, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सुक्रोज भी बोल सकते हो ना हमारे। तो केन शुगर की हाइड्रोलिसिस हमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है। ठीक है, मेरा सुक्रोज ले लिया मैंने, ये मेरा केन शुगर होता है बेटा। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11। इसकी बेटा हाइड्रोलिसिस कराने जाओगे आप तो हमें क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलेगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 और फ्रुक्टोज का फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा दोनों का। ठीक है, तो ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज मिलता है और इसमें हेल्प कौन सा करता है बेटा, मेरा इन्वर्टेज करता है, इन्वर्टेज एंजाइम करता है। एक्चुअली में यहाँ पे ना सुक्रोज का इन्वर्जन हो रहा होता है ना, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर भी बोलते हैं इसको, इन्वर्टेज एंजाइम काम करता है। तो ए का तो एस कंफर्म है बेटा, तो सब में दे रखा है। चलो तो बात करें माल्टोज की, तो माल्टेज की, माल्टेज इज द नेम ऑफ एंजाइम। ये क्या करता है, माल्टोज को हाइड्रोलिसिस करने में काम आता है। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करके हमें क्या मिलता है बेटा, अगर आप माल्टोज की हाइड्रोलिसिस करोगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे ग्लूकोज मिल रहा होगा ना, ग्लूकोज मिलता है। किसकी हेल्प से होता है बेटा, ये माल्टेज एंजाइम की हेल्प से होता है। ठीक है, तो माल्टोज को अगर आप हाइड्रोलिसिस करने जाओगे तो यहाँ पे हम माल्टेज एंजाइम का यूज करते हैं और हमें क्या मिलता है बेटा, ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे भी। ठीक है, माल्टोज भी क्या है बेटा, मेरा ध्यान देने वाली बात है कि जो माल्टोज होता है ये भी क्या होता है हमारा, जैसे सुक्रोज होता है ना, वैसे वैसे डाइसेक्राइड है बेटा माल्टोज भी। ठीक है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होकर हमारे माल्टेज एंजाइम के हेल्प से 2 मोल्स ऑफ ग्लूकोज बनते हैं, 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं बेटा, ध्यान रखना 2 मोल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज मिलते हैं। तो बी का क्या आएगा, मेरा आर आएगा, यहाँ दे रखा है, एक ऑप्शन भी दे रखा है बी का आर, तो 1, 3, 4 हो गया आउट। ठीक है, बात करें बेटा मेरे पेप्सिन की, तो पेप्सिन एंजाइम जो काम आता है बेटा मेरा, हेल्प करता है प्रोटीन को पेप्टाइड में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है, बॉडी के अंदर काम करता है बेटा मेरा प्रोटीन से पेप्टाइड फॉर्मेशन करने में हेल्प करता है। ठीक है, कौन सा एंजाइम, मेरा पेप्सिन एंजाइम। ठीक है, तुम्हारा एडिस करने में काम आएगा, प्रोटीन सी का क्या आएगा, टी आएगा बेटा, सी का टी यहाँ दे भी रखा है। यूरियाज एंजाइम होता है बेटा, ये यूरिया को डिकम्पोज करने में आता है, किसमें, यूरिया का फॉर्मूला होता है N2CuNH2। ठीक है, तो यूरियाज एंजाइम यूज करेंगे हम यहाँ पर और हमें क्या मिल जाएगा, N3+CO2 का फॉर्मेशन होता है, तो डिकम्पोजिशन में काम आता है, तो डी का पी आ जाएगा, यहाँ दे रखा है। जाइमेज एंजाइम बेटा, जाइम एंजाइम क्या आएगा, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने में आएगा बेटा काम, तो ई का क्या आ जाएगा काम। ठीक है, ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करने में काम आता है, इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH, तो जाइम एंजाइम की हेल्प से करते हैं हम। ठीक है, जो हमारी अल्कोहल वगैरह फॉर्मेशन होती है वो इस तरीके से होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 परफेक्टली करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।